चिरंजीवी दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ था। चिरंजीवी का वास्तविक नाम कोणीदेल शिव शंकर वर प्रसाद है। बचपन से ही इनकी अभिनय में रुचि थी। आंध्र प्रदेश के ओगोले स्थित CSR शर्मा कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने कॉमर्स विषय के साथ स्नातक की उपाधि ग्रहण की। पढ़ाई पूरी करने के बाद चिरंजीवी चेन्नई आ गए। उन्होंने अभिनय सीखने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वर्ष 1980 में चिरंजीवी ने सुरेखा से शादी की। चिरंजीवी की दो बेटियां और एक बेटा रामचरण तेजा है, जो तेलुगु फिल्म अभिनेता है। टॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी ही हैं। जब चिरंजीवी ने फिल्मों को छोड़ा तो राजनीति का रुख किया, तो वहां पर भी लोगों ने उन्हें पसंद किया। उन्होंने 1998 में चिरंजीवी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो मानवतावादी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने 2008 में अपनी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया। 2009 के आंध्र प्रदेश चुनाव में चिरंजीवी ने अपने पैतृक स्थानों पलाकोल्लू और तिरुपति से चुनाव लड़ा। बाद में उनकी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई। वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। राजनीति से पहले चिरंजीवी ने मद्रास फिल्म संस्थान में भाग लिया और मुख्य रूप से तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु सिनेमा में काम किया था। चिरंजीवी ने पुनाधिरल्लू फिल्म के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, हालांकि प्रमाण खरीदू फिल्म पहले प्रदर्शित हुई थी। प्रख्यात निर्देशक बापू की फिल्म मनापुरी पंडावुलू ने चिरंजीवी को पहचान दिलवाई। भारतीय मीडिया में चिरंजीवी मेगा स्टार के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी वजह है उनकी बेहतरीन और रिकॉर्ड तोड़ फिल्में। चिरंजीवी को 7 बार दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बार नंदी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अपनी पहली हिंदी फिल्म प्रतिबंध के लिए भी चिरंजीवी को फिल्म फेयर पुरस्कार से नामित किया गया था। 2006 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है इन्हें। 1987 में ऑस्कर समारोह में आमंत्रित होने वाले दक्षिण भारत के वे पहले अभिनेता थे। 2 अप्रैल 2018 को राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये थी दक्षिण के प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।